जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिले के क्लुआही प्रखंड के मलमल गांव में गैंगरेप के बाद हत्या की गई बच्ची सोनी कुमारी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मिले जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव। वहां का माहौल देखकर सभी गमगीन हो गए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने वहाँ पहुँच कर पीड़ित परिवार से बातचीत किया और उनके परिजन को तत्काल निजी तौर से 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की, साथ ही उनके बाकी दो बच्चियों के शादी और भरण पोषण के लिए मदद की बात कही। साथ ही पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वो सरकार और डीआईजी से जल्द कार्रवाई एवं एसपीडी ट्रायल की मांग करेंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस मलमल गांव के 13 वर्षीय नाबालिग लड़की सोनी कुमारी के साथ गैंगरेप कर बगल उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश उसके घर के बगल के घर से ही बरामद हुई थी। इस मामले में उसके गांव के ही 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन लगभग एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी काफी दबाव के कारण कल देर रात एक गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जाप का सुप्रीमो पप्पू यादव। सन ने बहुत गंदा खेल खेला है। मलमल प्रशासन ने, कलवाही के प्रशासन ने जिस तरीके से बिहेव किया, मैं तो पहले ही इस बिहार को रेपिस्ट बिहार मानता हूँ। कल पटना में विधवा महिलाओं के साथ, 55 साल की महिलाओं के साथ 8 लड़के ने बलात्कार किया। जवान बेटे हैं, बलात्कार करके बेहोश करके फेंक दिया। कमतौल में 2.5 साल बच्ची के साथ बलात्कार, 12 साल बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया। कोई डर और खौफ नहीं है। 2019-20 में लगभग 18,000 से ऊपर बलात्कार हो चुके। ये बिहार नहीं है, जल्लाद सिस्टम है। दंगा भी हुआ तो पदाधिकारी के कारण हुआ, बाद में इंस्पेक्टर और वहाँ एक एएसआई ने जिस तरीके से घिनौने खेल खेले, बाप रे बाप, दंगा करवाने में दोनों की भूमिका। यहाँ पर लाश जिसके घर में मिले उसको छोड़ दिया गया और 7 दिनों तक किसी की कार्रवाई नहीं हुई। पप्पू यादव के आने के बाद इनको पता चला कि गिरफ्तार करना चाहिए। आज रात एक गिरफ्तारी।